नमस्कार। दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारा उन किसान भाइयों के लिए विशेष है जो कि कपास की खेती करते हैं। हमारा विषय है अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में और संकर किस्में और उनकी विशेषता क्या है और उनसे आप कितनी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी आइकॉन को आप दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप अपनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और कोई समस्या है तो उसका समाधान भी खोज सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इसके बारे में जान सके। तो आइए बात करते हैं अमेरिकन कपास की उन्नत और संकर किस्मों की। किसान भाइयों, खरीफ की नकदी फसलों में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिकन कपास यानी नरमा की अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों को सही समय पर बोने, उपयुक्त खाद देने व समय पर पौध संरक्षण उपाय अपनाने और विशेष ध्यान देने चाहिए। इस वीडियो में अमेरिकन कपास की उन्नत एवं संकर किस्मों की विशेषता और उसकी पैदावार के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आपको कपास की खेती की जानकारी चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में, पहले बात करते हैं हम किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। HS6 इस अमेरिकन कपास किस्म की समस्त उत्तरी भारत में अगेती बिजाई 15 मई तक करने की सिफारिश की गई है। यह किस्म 180 से 185 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके टिंडे बड़े होते हैं जो कि अच्छी तरह से खिलते हैं। चुनाई आसानी से की जाती है। इसकी ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर होती है एवं 2 से 3 बार मजबूत वनस्पतिक शाखाएं होती है। यह जैसिड प्रतिरोधी है। इस पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी कम होता है। इसकी औसतन उपज 8.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसमें रुई की मात्रा 36% है तथा रेशे की लंबाई इसकी 23.6 मिलीमीटर है। HS6 के बाद बात आती है किसान भाइयों H1098 नरमे की। यह अमेरिकन कपास किस्म पछेती बिजाई के लिए उत्तरी भारत में 1996 में खेती के लिए विकसित की गई थी। यह किस्म कम अवधि में पकने वाली है और कुल 165 दिन का समय बिजाई से अंतिम चुनाई तक लेती है। इसकी बिजाई का उपयुक्त समय मध्य मई से जून के प्रथम सप्ताह तक का है। इसके पौधे सिद्ध बढ़वार वाले होते हैं जो कि 130 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ते हैं। तना आमतौर पर फलदार शाखाओं वाला और पत्तियां हरे रंग की, टिंडा मध्यम आकार का नुकीला और फूल करीम रंग के होते हैं। कपास गेहूं फसल चक्र के लिए यह सबसे उपयुक्त किस्म है। औसतन पैदावार 8 से 8.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। रेशे की लंबाई 22.7 मिलीमीटर एवं रुई 35.2% है। तेल व सुंडी इस पर कम प्रकोप होता है, यानी तेले और सुंडी का इस पर कम प्रकोप होता है। अब बात आती है H1117। इस अमेरिकन किस्म यानी नरमा किस्म की समस्त उत्तरी भारत में अगेती बिजाई 15 अप्रैल से 15 मई तक करने की सिफारिश की गई है। यह किस्म 175 से 185 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पत्ते छोटे एवं टिंडे मध्यम होते हैं जो अच्छी तरह से खिलते हैं। चुनाई आसानी से की जा सकती है। इसकी ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर होती है। इसमें मजबूत वनस्पतिक शाखाएं 2 से 6 तक पाई जाती है, लेकिन ऊंचाई तथा शाखाएं जलवायु के कारण कम ज्यादा हो सकती हैं। इसके फूल तथा प्रांगण करीमी रंग के होते हैं। इस किस्म में बहुत ही कम 2 से 5% पत्ती मरोड़ रोग लगता है। इसकी औसत पैदावार 8 क्विंटल प्रति एकड़ व रुई की मात्रा 35.5% और रेशे की 24.1% मिलीमीटर है। इसकी अधिकतम पैदावार 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी ली जा सकती है। अगर उपरोक्त क्रियाएं जैसे समय पर पानी, समय पर खाद और उर्वरक का प्रयोग और कीट रोकथाम करने से यह 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार दे सकती है।
उसके बाद बात आती है किसान भाइयों H1226। यह अमेरिकन कपास के पूर्णतः पत्ता मरोड़ अवरोधी किस्म है। यह किस्म 160 से 165 दिन में पककर तैयार हो जाती है एवं कपास गेहूं फसल चक्र के लिए उपयुक्त है। इसके पौधों की ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर एवं 2 से 3 वनस्पतिक शाखाएं होती हैं। इसकी पत्तियां रोएदार आकार में छोटी और पीलापन लिए होती हैं। फूल की पंखुड़ी ऊपर से कम पीली तथा आधार की तरफ अपेक्षाकृत अधिक पीली होती है। इसके उकेसर और प्रांगण करीमी रंग के होते हैं। इस किस्म के टिंडे मध्यम आकार के गोल एवं प्रति पौधा संख्या अधिक होते हैं। टिंडे सख्त होने के कारण सुंडियों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है और हरे तेले का असर भी कम दिखाई देगा। इसकी औसतन पैदावार 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। इस किस्म में रुई की मात्रा 33.7% तथा रेशे की लंबाई 24.5 मिलीमीटर होती है। उसके बाद है किसान भाइयों H1098, जिसका सामान्य क्रिया में विशेषता बता चुके हैं। यह संशोधित है। यह नरमा कपास किस्म पुरानी प्रचलित किस्म H1098 का संशोधित रूपांतरण है। नई किस्म H1098 संशोधित में H1098 के सभी गुणों के साथ साथ पत्ता मरोड़क रोग प्रतिरोध क्षमता है। इसके टिंडे बड़े होते हैं एवं रुई की मात्रा भी इसमें अधिक होती है। उसके बाद है किसान भाइयों H1236। यह नरमा किस्म रेशे में गुणवत्ता के लिए 2010 में खेती के लिए अनुमोदित की गई थी। इस किस्म के फूल पीले रंग के और प्रांगण करीमी रंग के होते हैं। इसमें 1 से 3 वनस्पतिक शाखाएं होती हैं और पौधे मध्यम ऊंचाई के 130 से 150 सेंटीमीटर के होते हैं। इस किस्म की अंतिम चुनाई मध्य नवंबर तक पूरी की जाती है, इसलिए यह किस्म कपास गेहूं और कपास राया फसल चक्र के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की औसत पैदावार 8 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ है तथा अधिकतम पैदावार 12.5-11 क्विंटल प्रति एकड़ है। इस किस्म में रेशे की लंबाई 27.2 मिलीमीटर तथा रुई की मात्रा 35% है। यह किस्म पत्ता मरोड़क रोग के लिए प्रतिरोधी यानी अवरोधी है। H1300 अमेरिकन कपास की यह किस्म समय पर बुआई एवं सिंचित अवस्था के लिए विकसित की गई है। यह किस्म 165 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कपास के पत्ती मरोड़क रोग के लिए यह रोगरोधी है। इसके टिंडे बड़े आकार के होते हैं और पैदावार 14 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ है, जिसमें रुई की मात्रा 36.3% और रेशे की 21.5 ग्राम प्रति टैक्ट है। अब RS2013। इस अमेरिकन कपास की किस्म की पौधे की ऊंचाई 125 से 130 सेंटीमीटर होती है। इसकी पत्तियां मध्यम आकार की और हल्के रंग की होती हैं। इसके फूलों की पंखुड़ियों का रंग पीला होता है। इस किस्म में 2 से 3 एकांकी शाखाएं और अन्य फलवाहिनी शाखाएं होती हैं। फसल 165 से 170 दिन में पककर तैयार होती है। इस किस्म में सुंडी द्वारा हानि अन्य किस्मों की अपेक्षाकृत कम होती है। यह किस्म पत्ती मरोड़क विषाणु बीमारी प्रति अवरोधी है। इस किस्म की औसत उपज 9 क्विंटल से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। उसके बाद है RS810। इस नरमा कपास किस्म के पौधे की ऊंचाई 125 से 130 सेंटीमीटर होती है तथा फूल पीले रंग के होते हैं। टिंडे का आकार 2.5 से 3.5 ग्राम, रेशे की लंबाई 24 से 25 मिलीमीटर और ओटाई क्षमता 33 से 34% होती है। यह किस्म 165 से 175 दिन में पककर तैयार होती है। 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उपज देती है तथा पत्ती मरोड़क रोग के प्रति अवरोधी है। उसके बाद है किसान भाइयों RST9। इस नरमा कपास किस्म के पौधे की ऊंचाई 130 से 140 सेंटीमीटर होती है। पत्तियां हल्के रंग की होती हैं, फूल पीले रंग के होते हैं। 4 से 6 एकांकी शाखाएं होती हैं। टिंडे का आकार मध्यम, औसत वजन 3.5 ग्राम होता है। फसल 160 से 200 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तेला से इस किस्म की अपेक्षाकृत कम हानि होती है। ओटाई प्रतिशत भी अन्य अनुमोदित किस्मों से इसका अधिक है। उसके बाद है किसान भाइयों RS875। इस नरमा कपास किस्म के पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। आकार रंग गहरे रंग की होती है। शून्य यानी 0 से 1 आकांक्षी पाई जाती हैं और टिंडे का आकार मध्यम, औसत 3.5 ग्राम, रेशे की लंबाई 27 मिलीमीटर एवं
तेल की मात्रा 23% है, जो अनुमोदित किस्मों से 15 अधिक है। इस किस्म की फसल 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिससे उसे खेत में सामान्य समय से गेहूं की बुआई की जा सकती है। उसके बाद है बीकानेरी नरमा। इस अमेरिकन कपास की पौधे के लगभग 135 से 165 सेंटीमीटर यानी 5.5 फीट ऊंचे पत्तियां छोटे हल्के रंग की हरे रंग की और फूल छोटे हल्के पीले रंग के एवं 4 से 6 एकांकी शाखाएं पाई जाती हैं। टिंडे का आधार मध्यम औसतन वजन 2 ग्राम होता है। फसल 160 से 200 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तेला यानी जयसीड से इस किस्म को अपेक्षाकृत कमानी होती है। अब बात आती है किसान भाइयों, वो हमने उन्नत किस्मों की बात की, अब बात करते हैं अमेरिकन कपास की संकर किस्म। जहां तक बात अमेरिकन कपास की संकर किस्मों की है, उसमें HH223 अमेरिकन कपास की यह संकर किस्म वर्ष 2002 में उत्तरी भारत में बिजाई के लिए सिफारिश की गई है। इसकी बिजाई का समय 15 अप्रैल से 20 मई तक है। इसके पौधे की ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर और मुख्य तने पर 2 से 4 मजबूत टहनियां होती हैं। हालांकि ऊंचाई और टहनियां जलवायु पर निर्भर करती हैं। इसके पत्ते हरे फूल पीले रंग के एवं प्रांगण क्रीम रंग के होते हैं। इसके टिंडे का वजन 3.8 ग्राम है और यह 175 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। इस पर सूंडियों का प्रकोप भी कम होता है। यह जयसीड प्रतिरोधी है यानी तेला रोग के प्रति रोधी है। इस किस्म में पत्ती मरोड़क रोग भी नहीं लगता। इसकी औसतन पैदावार 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़, रुई 35.2% और रेशे की लंबाई 22.5 मिलीमीटर है। इसके अधिकतम पैदावार किसान भाई 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक ली जा सकती है, अगर स्थितियां अनुकूल हैं तो। उसके बाद में है HH287। यह अमेरिकन कपास हरियाणा राज्य की नरमा की पहली नर बद्धे संकर किस्म है। इस संकर किस्म की बिजाई की सिफारिश वर्ष 2005 में समस्त उत्तरी भारत के सिंचित इलाकों में 10 मई से 30 मई के मध्य में की गई है। इसके बीज की मात्रा 1750 यानी 1 किलो 750 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयुक्त होती है। यह किस्म 160 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके टिंडे का वजन 4 ग्राम होता है एवं टहनियों पर इसकी दूरी कम होती है। यह किस्म पत्ता मरोड़क रोग के लिए प्रतिरोधी है। इसकी पंखुड़ियां और प्रांगण करीमी रंग के होते हैं। इसकी वनस्पतिक शाखाएं 1 से 3 होती हैं। इस संकर किस्म का बीज किसान खुद अपने खेत में आसानी से तैयार कर सकता है। इसमें रुई की मात्रा 34.8 एवं रेशे की 27.1 मिलीमीटर होती है। इस संकर किस्म की औसतन पैदावार 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ तथा अधिकतम पैदावार 13 क्विंटल प्रति एकड़ है। उसके बाद बात आती है किसान भाइयों, राज HH16 मरु विकास के नाम से भी जानी जाती है। इस अमेरिकन कपास संकर किस्म के पौधे की ऊंचाई 135 से 145 सेंटीमीटर, पत्तियां औसतन आकार हल्के रंग की होती हैं, फूल हल्के पीले रंग के, 3 से 4 एकांकी रेखाएं पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं, टिंडे का आकार मध्यम, औसतन वजन 4.5 ग्राम, रेशे की लंबाई 27 मिलीमीटर और कताई सूतक 40 है, जो अन्य अनुमोदित किस्मों से अधिक है। इस किस्म की फसल 170 से 180 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसे उसी खेत में सामान्य समय पर गेहूं की फसल आसानी से ली जा सकती है। तो ये तो थी कुछ कपास की उन्नत और संकर नरमा किस्में, जिनकी जानकारी हमने दी, उसकी विशेषताएं बताई, उसकी पैदावार बताई और कितने दिन में वो पक के तैयार होती हैं, वो सब हमने जाना। तो यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इसके बारे में जान सके। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को आप दबाना मत भूलिए। और यदि वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पे आके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी सूक्ष्म तरीके से ले सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।